तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। कार फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्कॉप से। जी हाँ दोस्तों, तो बात करते हैं एक नए वीडियो के एक नए अंदाज में। तो फाइनली अभी हम लोग हैं मुंबई में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने मुंबई ट्रिप किया है, तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे वीडियो शूट कर रखे हैं जो कि बारी बारी से चैनल पर आ रहे हैं। तो अभी तक आप लोगों ने विजिट नहीं किया है चैनल को, तो जाकर विजिट कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, पास में बेल आइकन दबाकर पे क्लिक जरूर कर लेना। तो फिलहाल इस वीडियो में जो हम आप लोगों को जिन बॉलीवुड एक्टर सुपरस्टार का घर दिखाने वाले हैं, उनका नाम है शत्रुघ्न सिन्हा जी। जी हाँ दोस्तों, ये जो बेसिकली हैं पटना से बिलोंग करते हैं। पटना से होने के बावजूद ये फिल्मी करियर अपना इन्होंने बनाया और आज अपना एक बड़ा नाम है। तो इनके काफ़ी सारी फिल्में हैं जो आप लोगों ने देखी रखी होंगी, और इनके काफ़ी फेमस डायलॉग भी हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी के। आप लोगों ने सुना होगा ना, श्याम आया तो कह देना छेनू आया था, है ना। और एक वो वाला खामोश करके, यूं करके वो बना देना खामोश, है ना। तो फिलहाल इतने बड़े एक्टर हैं, उनकी मैं कॉपी करने का सोच भी नहीं सकता, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में उनके घर को दिखाने वाले हैं। उसी में रहती हैं सोनाक्षी सिन्हा, जो कि उनकी सुपुत्री हैं। और उनके घर का नाम बता दूं मैं, रामायणा उनके घर के नाम है। उनके बेटे का नाम लवकुश है, शायद मैंने कहीं सुना था इंटरव्यू में उनके, ठीक है। और अगर उनके पटना वाले घर का आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जरूर जाइए। पटना वाले घर का वीडियो मैंने डाल दिया था उनके पटना में जाके, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के अंत में मिली जाएगी, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं, ले चलते हैं आपको रामायणा यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा जी के घर पे। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो गाइस, अभी फाइनली हम चल रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी के घर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, आगे शत्रुघ्न सिन्हा जी का घर है, रामायण नाम है उनके घर का, मुझे पहले से ही पता है। और फिलहाल आज हम इस वीडियो में शत्रुघ्न सिन्हा जी के घर को विजिट करेंगे। और मैंने, अगर आप लोगों ने उनका पटना वाला घर नहीं देखा है शत्रुघ्न सिन्हा जी का, तो मेरे चैनल पे वीडियोस पड़ा हुआ है, उसकी जो है लिंक आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। आप लोग शत्रुघ्न सिन्हा जी का बचपन वाला घर, जहाँ से उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपना कदम रखा है, जो कि उनका पटना में घर है, ठीक है, उस वाले घर को मैंने दिखाया हुआ है पटना में जाके। तो आप लोग वो वाला वीडियो भी देखिएगा, जब इस वीडियो को ख़त्म करिएगा तो आखिरी में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। फिलहाल के लिए जो मुंबई में उनका घर है वो मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, जिसका नाम है रामायण। तो चलिए चलते हैं रामायण की ओर। तो गाइस, अभी हम लोग पहुँचे हैं महमूद चौक, हास्य कलाकार महमूद चौक, ठीक है। अभी चलेंगे सड़क को पार करके, यहाँ पे भाई हमें ले चल रहे हैं रामायण की तरफ। अच्छा, महमूद चौक भी है भाई, इसके महमूद जी का यहाँ पे घर है क्या? नहीं, ये तो मालूम नहीं था, महमूद चौक है। पर महमूद चौक है यहाँ पे, तो हो सकता है उनका घर भी यहाँ पे हो। अगर होगा तो किसी ना किसी वीडियो में हम आपको जरूर दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है हास्य कलाकार महमूद चौक। और महमूद साहब को कौन नहीं जानता यार, क्यों भैया कहाँ पे? अच्छा 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 तो गाइस, ये रहा कुछ शत्रुघ्न सिन्हा जी के घर का मेन गेट। एक गेट ये है, एक गेट आगे है जहाँ पे रामायण लिखा हुआ है। और काफ़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है भाई, अगर ऊपर को अभी करके हम लोग दिखाएंगे तो काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है भाई। एक ये गेट रहा, और ये रहा महमूद चौक, हास्य कलाकार महमूद चौक, ये उसी नाम से चौक है। इसके थोड़ा ही अंदर आएंगे, एक बिल्डिंग छोड़ के पहला गेट पड़ेगा रामायण का, दूसरा गेट पड़ेगा शत्रुघ्न सिन्हा जी के। और सामने एक पेड़ खड़ा हुआ है, और बिल्डिंग दिखाएं तो कुछ इस तरीके से है भाई। कितनी ऊंची बिल्डिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7-8 माले का है ये बिल्डिंग, ये देखो। तो गाइस, अभी तो काफ़ी देख सकते हो ऊंची बिल्डिंग है, पेड़ भी छोटा पड़ गया बिल्डिंग के आगे, बिल्डिंग और ऊपर निकल गई। अब सोच लो सोनाक्षी सिन्हा वगैरह सब इसी में रहती हैं भाई, और उनके जो भाई हैं लव कुश, क्या नाम है उनका, वो भी इसी में रहते हैं, और शत्रुघ्न सिन्हा जी इसी में रहते हैं अपनी धर्मपत्नी के साथ में। और यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है रामायणा करके लिखा हुआ है। और मेन गेट हमें लग रहा है यही है, ये इधर नहीं खुलता होगा। फिलहाल कैमरे वगैरह लगे हैं, हम लोगों ने परमिशन भी नहीं लिया है, कोई नज़र ही नहीं रहा, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे अंदर ही बैठते हैं ज़्यादातर। और यहाँ पे एक स्टिक नोबल ये रखा हुआ है, और छोटा मोटा ऐसे बेल वगैरह लगी हुई हैं जो अपना मनी प्लांट की। और बाहर एक पेड़ भी है, और जगह कुछ नहीं है इसमें ज़्यादातर, साइड में एक जगह है यहाँ पे गाड़ी वाड़ी खड़ी करने के लिए, बस फ्रंट से भी जगह लग नहीं रही है। अगर इसके नीचे पूरा बना होगा हॉल तो पता नहीं। फिलहाल हम खड़े हैं अभी रामायणा के बिल्कुल जस्ट सामने, ये देख सकते हो आप लोग, कुछ इस तरीके से है रामायणा। और चलते हैं थोड़ा आगे से दिखाते हैं आप लोगों को। सामने खड़े हैं सोनू भाई अपने, और ये प्राइवेट पूरा ये जो कॉलोनी है, जो हाई मतलब, हाँ कौन सा डायलॉग है जो बोलते हैं छेनू क्या, श्याम आया तो कह देना छेनू आया था, श्याम आया तो कह देना छेनू आया था, खामोश खामोश, सुना है नाम
कौन से मूवी का था वो डायलॉग? खामोश का पता नहीं, श्याम आए तो कह देना छेनू आया था। काफी पुरानी मूवी थी और काफी सुपर डुपर हिट मूवी थी यार वो। श्याम आए तो कह देना छेनू आया था, है ना। तो ये रहा कुछ बिल्डिंग का नजारा, इधर से भी आप लोग देख सकते हो काफी जो है। और हेलीकॉप्टर बार बार निकल रहा है तो शोर शराबा तो बहुत ज्यादा हो रहा है यार। अबे ये गाड़ी कौन सी है, ये गाड़ी कौन सी है, काफी अच्छी है यार मुंबई में ऐसे की। भाई दो नंबर गाड़ी है, एक नंबर नहीं दो नंबर गाड़ी है MH02। और ये रहा रामायण का नज़ारा, क्या यार सोनू कभी सोचे नहीं थे मुंबई में जाके और इन सभी एक्टरों के घर का वीडियो बनाएंगे और उनको देखेंगे ऐसे सामने से खड़े होकर। इसी दीवारों के पीछे शायद सोनाक्षी सिन्हा बैठी हूँ, अगर कहीं काम ना करने गई हो तो फिल्मों में शत्रुघ्न सिन्हा जी हो सकता है बैठे हों। शत्रुघ्न सिन्हा जी BJP से जुड़े हुए हैं ना, नेता भी हैं। और इनके घर वाला वीडियो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों ने पटना वाले घर का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के अंत में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग देखना जाके, इन डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा। वहाँ वाला भी घर आप लोग इनका देख सकते हैं जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। ये रहा कुछ रामायण का नज़ारा, भाई देख सकते हो काफ़ी ऊँची बिल्डिंग यहाँ पर बनी हुई है। ये देखो यहाँ पर भाई कुछ पार्सल लेके आए हैं जो कि अंदर घुसते हुए चले गए हैं, खोल दिया है अंदर घुस भी गए हैं शायद, ये यहीं पर काम हम करते होंगे इसलिए इतनी आसानी से घुस गए। नीचे तो पूरा भैया खाली पड़ा। ये भाई बार बार जो है डायलॉग मारे, श्याम आया तो कह देना छेनू आया था। और जो उनका फेमस डायलॉग है खामोश, वो तो तुम करके नहीं बता रहे हो। खामोश खामोश ये रहा भैया रामायण। श्याम किधर है? श्याम का खून कोई लेमन सोडा नहीं जो ठल से खोदे भर सके। नहीं वो वाला डायलॉग, श्याम का खून कोई लेमन सोडा नहीं जो ठल से खोले और हर से पी गए। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जो बारूद से क्या है, जो आग से बारूद कुछ ऐसे ही विश्वनाथ कहते हैं। फिर से एक बार जली को आग कहते हैं। वो भाई वो भी उनका ब्रांड बन चुका है भाई। वो डायलॉग मारो, जली को आग कहते हैं, बुझी को खाक कहते हैं, जो बारूद से आग से बारूद बन जाए कुछ ऐसे, उसे विश्वनाथ कहते हैं साला। बड़े मूवी का क्रांति का है? पता नहीं भैया, मूवी तो उनकी देखी नहीं जाती। हमने उनकी मूवी एक लोहा देखी थी, लोहा मूवी हमें उनकी काफी पसंद आई थी, उसके बाद हमने कोई देखी नहीं मूवी यहाँ तक। क्रांति जो आई थी ना मनोज कुमार की, उसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल था और बहुत हिट हुई थी ना मूवी यार। फिलहाल के लिए अभी तो हम लोग उनके घर के बाहर खड़े हुए हैं, इतनी दूर से दिखा रहे हैं तब जाके इतना सारा कवर हो पा रहा है। और काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है यार, बहुत बड़ी है। करीब 8 से 10 माले तो होंगे इसमें, क्यों 8 से 10 माले तो होंगे। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने दिखाया रामायण जो घर है सोनाक्षी सिन्हा कहें या तो अभी तो शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं हमारे सबके बीच में, तो शत्रुघ्न सिन्हा जी का है जो कि पीछे आप लोग देख सकते हो, इसी में रहते हैं शत्रुघ्न सिन्हा और सोनाक्षी सिन्हा। फिलहाल के लिए बताइए आप वीडियो कैसा लगा। वीडियो में अगर हमारी आप लोगों को मेहनत लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार। मुंबई आके दर दर भटक भटक के ही वीडियो बन रहे हैं क्या सोनू भाई? भाई यार भाई बहुत मेहनत कर रहा है यार, लाइक और सपोर्ट करिए यार, जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए और भाई को लाइक ज़रूर करते रहिए यार, क्योंकि लाइक से ही आपके यूट्यूब वाले थोड़ा दिखता है यार। तो वही सोच रहे थे यार, आप लोग लाइक नहीं करते, देखते नहीं, शेयर नहीं करते हो तो फिर दिक्कत हो जाती है यार। और मुंबई आके इसे घर घर सबके ढूंढना, उसका वीडियो बनाना बड़ी मुश्किल का काम है। आप लोगों को मैं घर बैठे दिखा रहा हूँ यार, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग अगर इंटरटेन हो रहे होंगे, बिस्तर में पड़े पड़े अगर वीडियो आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, ठीक है। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में क्या बेल आइकन दबा के ऑन पे क्लिक कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर अभी तक आप लोग फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा, यहाँ पर यूजरनेम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाइए फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे हमें, वहाँ पे साथ में लाइव आएंगे और किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो रिप्लाई भी आराम से वहाँ पे हम दे देते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।